हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटर की घुघनी। मटर को पानी में 6 घंटा भिगोया गया है और उसको प्रेशर में 1 सीटी आने तक उबाला गया है। उसी का पानी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। ये 2 बॉयल आलू है, बटर, टमाटर छोटे छोटे कटे हुए, जीरा और सरसों के दाने, सरसों तेल, कटा हुआ प्याज, सूखी मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, हल्दी, चीनी, अदरक लहसुन कद्दूकस किया हुआ, नमक, कस्तूरी, किचन किंग मसाला, हींग। चलिए मटर की घुघनी बनाते हैं। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल, थोड़ा बटर गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च, जीरा और सरसों, हींग देखिए थोड़ा चलाएंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज दे देंगे। ये प्याज, अदरक, लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसको और थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें हल्दी और नमक डाल के चलाना है। अभी मसाला अच्छे से हो गया है, तेल छोड़ दिया है, अब इसमें किचन किंग मसाला थोड़ा दे देंगे। देख के अच्छे से चला देंगे। मसाला रेडी हो गया, अब इसमें हम थोड़ा मटर वाला पानी डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर बॉयल होने देंगे। देखिए मसाला पक गया है, पूरा तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम बॉयल किए हुए मटर डाल देंगे। डाल के अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें बॉयल किए हुए आलू इस तरह से तोड़ के डाल देंगे सारे। फिर मटर वाला पानी सारा डाल देंगे। अब इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। धीमी आंच में ढक देते। इसी बीच हम एक पैन में 2 चम्मच बेसन भून लेते हैं। देखिए बेसन भून गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। भुने हुए बेसन को मैं बाउल में निकाल चुकी हूँ, अब इसमें थोड़ा पानी देके अच्छे से घोल लेंगे। इस भुने हुए बेसन के घोल को हम घुघनी में डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से चला देंगे। फिर से एक पैन गरम करेंगे, इसमें 2 चम्मच चीनी, मेल्ट होने तक चलाएंगे। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसे हम घुघनी में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी लेके डालना है। घुघनी रेडी हो गई है। मटर की घुघनी बन के रेडी हो गई है। उसको आप भटोरे और नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको भटोरे और नारियल की चटनी की वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए।